स्टूडेंट आप सब कैसे हो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आयु संबंधित प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम में प्रत्येक एग्ज़ाम में यानी कि आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आयु संबंधित प्रश्न जो कि कई बार 3 से 4 नंबर एसएससी, रेलवे ग्रुप डी या सीजीपीएससी व्यापम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे आइए सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसी गणित से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आज रात आठ बजे से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ्स से, जो कि आयु संबंधित प्रश्न है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। जो राहुल और दीपक की आयु है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। राहुल और दीपक की आयु का जो अनुपात है 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी। किसकी पूछ रहा है? 6 वर्ष बाद राहुल की पूछ रहा है। उसके बाद तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी, जो दीपक है उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। राहुल और दीपक की आयु का अनुपात कितना है? चलिए राहुल का मान लेते हैं 4x और कितना है दीपक का 3x। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। राहुल का 4x है जबकि दीपक का 3x, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखें यहाँ पर ध्यान से समझिए, राहुल का कितना बोला गया 4x जबकि दीपक का 3x है, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी। किसकी पूछ रही है? राहुल का। राहुल का कितना 4x है, तो 6 वर्ष बाद 4x+6, ठीक है। राहुल 6 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 26 वर्ष हो जाएगी। अब इसको पक्षांतर करेंगे, ये जो 6 है उसको इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4x=26-6। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए अब 26 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इसको 4x=20। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4×5=20, तो x=कितना हो रहा है हमारा? x=5 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो क्या पूछा गया? दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक का कितना था? 3x, ठीक है। दीपक का कितना था? 3x। x की जगह हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 5, ठीक है। तो 3×5 किसका पूछ रहा है? दीपक का। ये दीपक का है, ठीक है, ये दीपक का है, ठीक है। इसका पूछ रहा है दीपक का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 5 दिया कितना होता है? 15, ठीक है। 5 से कितना होता है? 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दीपक की जो वर्तमान आयु है 15 वर्ष है। अगर इसी प्रकार देखिए, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए, अगर राहुल का पूछता तो राहुल का कितना है हमारे पास? देखिए राहुल का यहाँ पर, राहुल का 4x है, ठीक है। राहुल का 4x है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। राहुल की यहाँ पर 4x किसका था? राहुल का था। 3x किसका था? दीपक का था। 3x दीपक का मान लीजिए, ठीक है। 3x किसका? दीपक का है, और 4x राहुल का है, ठीक है। अब देखिए राहुल का अगर x का मान हमारा कितना आया है? 5 आया है, ठीक है। तो ये अगर x का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना जाएगा? अगर राहुल का पूछता तो 5×4=20, यानी कि राहुल का 20 होता। और यहाँ पर पूछ रहा है दीपक की वर्तमान आयु, ठीक है। तो दीपक का कितना है? 3 और x का मान कितना है? 5, तो 5 से कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी? 15 आयु होगी। देखिए यह क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ऐसे ही प्रश्न है, ठीक है। वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को क्या करोगे? लाइक करोगे, साथ ही सब्सक्राइब करके रख लोगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लोगे। चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। राधा और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। राधा और मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद राधा की आयु 34 वर्ष है। 6 वर्ष बाद कितना बोला गया है? 34 वर्ष। तो मोहन की आयु क्या होगी? यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है क्या? राधा और मोहन की आयु, तो देखिए राधा की कितनी है? 4x, ठीक है। और कितना है मोहन का? कितना है यहाँ पर? मोहन का 3x।
पूछा कि इसका है 6 वर्ष बाद राधा की आयु, 6 वर्ष बाद राधा की आयु, तो छः तो राधा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4x+6, 6 वर्ष बाद राधा की आयु कितनी है? 34। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखें, अब इसको पक्षांतर करेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा? 4x=34-6। जब इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 34 में 6 को घटाएंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो 4x=28, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। 4x=28 इसको ना ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये x हो गया, ठीक है। 4x=28 जब इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से तो कितना जाएगा, 4 × 7 = 28, तो x का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, 7 आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, x का मान कितना है, 7। मोहन की आयु कितनी होगी, मोहन की आयु कितनी होगी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मोहन की आयु कितनी होगी, तो मोहन की आयु कितनी है, 3x है, तो मान रखते हैं 3x, ठीक है। तो x का मान कितना है हमारे पास, 7, तो 3 × 7 करेंगे तो कितना जाएगा, 7 × 21 यानी कि 21। यहाँ तक क्लियर हो गया, मोहन की आयु कितनी है, 21 वर्ष, ठीक है। आयु संबंधित प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो लोग SSC व्यापम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट क्लास है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लासेस कराया जाएगा, गणित की क्लास शाम 5 बजे होती है, ठीक है, गणित की क्लास 5 बजे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है, विमल का कितना है, देखिए 3x, ठीक, उसके बाद अरुण का कितना है यहाँ पर, 5x, ठीक। उनकी आयु का योग, अब इनकी आयु का योग कितनी, इन दोनों के आयु का योग कितना है, 80 वर्ष। नोट कर दीजिएगा, अगर आप कॉपी पेन रखे हों तो कॉपी साथ में रखिए, ठीक है, कॉपी को साथ में रखकर नोट करते चलिएगा, जितना भी बता रहा हूँ कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका योग करते हैं, तो 3x+5x=80, ठीक, नोट कीजिएगा कॉपी में, इस मैं मिटा दूंगा इसको, ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है। इसके बाद लंबा सॉल्व बनेगा ये, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात अब पूछा क्या गया है, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, अब ये पूछा गया है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8x, तो 8x=80, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में, तो x का मान कितना यहाँ पर, 10, क्लियर हुआ। अब पूछा क्या गया, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अब उनकी आयु कितनी थी, पहली 3x और इसका कितना, 5x, उसमें मान रखते हैं, x का मान रखेंगे तो इससे कितना जाएगा, 5, ये देखिए जो ये 10 है तो x का मान रखेंगे यहाँ पर, 3 × 10 करेंगे तो कितना, 10 × 30, यानी कि विमल के पास कितना है, 30, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, विमल के पास 30 है। उसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा, 5 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बोला गया है इन वर्ष 50, उनकी आयु का योग पूछा गया, अब उनकी आयु का योग पूछा गया तो 5 दिन कितना हो गया, 80, ठीक है, विमल और आयु का अनुपात 3:5, उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, तब 10 वर्ष पश्चात पूछा गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर लिए, चलिए मैं मिटा रहा हूँ ना, ठीक, कितना आया उन लोगों का, हाँ देखिए अब ए का कितना है, एक मिनट ना, इसको मिटा देता हूँ मैं, अब देखिए देखिए यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, कितना कितना आया था उसको समझ गए ना, कॉपी में नोट कर लिए। अब देखिए विमल का कितना था, देखिए कितना आया था, नोट कीजिएगा ना, 30 आया था, चलिए इसको मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। विमल का देखिए, विमल का कितना आया था, विमल का 3 था, 10 से गुणा करेंगे कितना आया था हमारा, 30। 10 वर्ष पश्चात पूछा गया है तो 10 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ तक ये विमल का हो गया, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या पूछा, अरुण का, तो अरुण का कितना था यहाँ पर, 5x, ठीक है, तो 5 × 10 करेंगे तो कितना जाएगा, 50, ठीक। 10 वर्ष बाद पूछा गया है तो 30 और 10 कितना हो गया, 40, ठीक है, तो 40, अब यहाँ हो गया 5 और 10, 50 और 10 कितना हो गया, 60, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको कैंसिल करते हैं, 0 और 0 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, यानी कि 2:3। तो उनकी देखिए अब 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा, क्लियर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। एक पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की कितनी है? 9 गुनी, तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। और पिता और माता की आयु का योग 5 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या होगी? ध्यान से समझिएगा ना, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, एक पिता की आयु उसके, कॉपी रखे ना साथ में, कॉपी रखिएगा, ठीक है, कॉपी रखे ना साथ में। हाँ चलिए, जितना भी मैं करा रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा, मैं मिटा दूंगा उसके बाद। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। एक पिता की आयु कितनी है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु, अब पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं हमारे पास एक्स, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु एक्स है, तो पिता की वर्तमान क्या होगी? तो पिता की हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु 9x, ठीक है, नोट करते चलिए जाएगा। उसके बाद माता की वर्तमान आयु पूछा गया, तो माता की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ पर 8x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, पुत्र की हो गई, ठीक, पिता की हो गई, उसके बाद माता की हो गई। अब बोला गया है पिता और माता की आयु का योग 51 वर्ष है। पिता और माता की आयु का योग कितना? 51 वर्ष। तो ये माता की आयु और पिता की आयु को जोड़ देते हैं और उनका योग करते हैं, ठीक है। पिता की आयु और माता की आयु का योग 8x और ये 9x इक्वल टू 51, ठीक, यहाँ तक पूछा गया ना। तो पुत्र की आयु क्या होगी? यहाँ पर पूछा गया है पुत्र की आयु, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 17x, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17x बराबर 51। अब इसको कैंसिल करेंगे, 17 एकम 17, 17 चौंतीस, 17 3 51, तो x का मान कितना है यहाँ पर? 3। x का मान कितना है? 3। तो किसका पूछा गया? पुत्र, तो पुत्र के कितना है? x, तो x का मान आपका आंसर आ गया 3, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष। अगर यही क्वेश्चन है, बार बार देखिए, यहाँ पर फोन मत कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर फोन ना करें, ठीक, डिस्टर्ब होता है क्लास में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक व्यक्ति है जिसकी पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, उसके पुत्र से कितना गुनी है? 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद। अब 12 वर्ष बाद बोला गया है, तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो सॉल्व करते हैं इसको, चलिए। तो देखिए यहाँ पर, माना पुत्र की आयु एक्स है। अब माना पुत्र की आयु कितनी है हमारे पास? एक्स है, ठीक है, पुत्र की आयु एक्स है। अब व्यक्ति की आयु 3 वर्ष। अब व्यक्ति की आयु कितनी है हमारे पास? 3 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, व्यक्ति की आयु 3 वर्ष, प्रश्न अनुसार एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 12 वर्ष बाद उसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 12 वर्ष बाद बोला गया, ठीक है, तो 2x प्लस 12, ठीक है, ये वाला 12 वर्ष बाद बोला गया, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 12, ठीक है, x प्लस 12 बराबर 3x प्लस 12, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बोला गया है? 2 से इसको गुणा कर देते हैं, इधर 2x हो जाएगा, ये 2x प्लस 12 दूनी 24, ठीक, यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये वाला 3x प्लस 12, ठीक, अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, ये वाला इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 2x इक्वल 24 माइनस 12, ठीक है। अब 3x में 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? x आ जाएगा, ठीक है, और 24 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु आपका हो जाएगा 3 वर्ष बाद बोला है, 3 गुनी बोला गया है, तो इसका 12 को 3 से गुना कर देंगे, तो 12 3 36, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु आपकी 36 वर्ष होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पाइप और टंकी से, जो कि काफ़ी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू।